प्यारे भैया बहन, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 20 का आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम लोग बनाएंगे। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या है? अनु बाउ 200 बोतल्स, 200 बोतल खरीदती है, क्या चीज का? ऑफ मिल्क इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, अप्रैल और मई में 200 बोतल खरीदी है। सी बाउट 98 बोटल्स इन अप्रैल, अप्रैल में खरीदती है 98, जबकि दोनों मंथ मिलाकर के अप्रैल और मई मिलाकर के 200 बोटल्स है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी बोटल्स डिड सी बाय इन मई मंथ में, मई महीना में वह कितना दूध का बोतल खरीदी, बताइए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन, अनु बाउट मिल्क बोटल्स इन अप्रैल एंड मई, कितना? 200। ओके, सेकंड लाइन, मिल्क बोटल्स बाउट इन अप्रैल, कितना अप्रैल में खरीदी थी वो 98। मिल्क बोटल बाउट इन मई महीना में कितना खरीदी, तो हम लोग क्या करेंगे, 200 में से 98 को सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा? 102 आंसर। हम लोग ऊपर नीचे लिख के सबट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द क्वेश्चन? देयर आर 430 सीट्स इन ए सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में आप लोग जाते हैं, सिनेमा हॉल में, वही सिनेमा हॉल, बहुत लोग कम जाते हैं, कब तो घर मोबाइल पर सब कुछ चल रहा है, सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी सिनेमा हॉल है। ऑन वन डे 85 सीट्स, एक दिन की बात है, 85 सीट्स वेयर फाउंड वैकेंट इन ए शो, एक पिक्चर लगी हुई थी, मूवी लगा हुआ था, जिसमें से 85 सीट खाली पाया गया, 430 सीट था लेकिन 85 सीट पर आदमी बैठा हुआ नहीं था, यानी आदमी वहाँ आया ही नहीं देखने के लिए। हाउ मेनी पीपल्स सा द मूवी इन दैट शो, उस दिन में कितना आदमी देखा, बताइए। पिक्चर देखने वाले की संख्या क्या है, बताइए। राइट द नंबर सेंटेंस, और नंबर सेंटेंस भी लिखना है, तो यहाँ क्या है सोल्यूशन देंगे, सोल्यूशन टोटल सीट्स इन ए सिनेमा हॉल इज इक्वल टू 430। सेकंड लाइन, सीट्स वैकेंट इन ए पर्टिकुलर डे, कोई खास दिन जब बात था उसका है, पर डे की बात नहीं है, किसी खास दिन जब सिनेमा हुआ था उसका बात है। पर्टिकुलर डे 85 वैकेंट था, खाली था, उस पर आदमी आया ही नहीं। तो पीपल, थर्ड लाइन, पीपल सा मूवी इन दैट डे, तो हम लोग क्या करेंगे, 430 में से 85 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो सबट्रैक्ट यहाँ किए ऊपर नीचे लिख के आप यहाँ सबट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आएगा, 345। अब क्या है, नंबर सेंटेंस लिखना था, क्या लिखना था, नंबर सेंटेंस इक्वल टू क्या होगा, 430 माइनस 85 इक्वल टू 345। ये सवाल बन गया। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द क्वेश्चन? देयर आर 236 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक स्कूल में 236 बच्चे हैं। द नंबर ऑफ बॉय, लड़कों की संख्या इज 128। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो लड़की की संख्या कितनी है, बताइए। गर्ल्स की संख्या कितनी है, बताइए। सोल्यूशन, फर्स्ट लाइन, टोटल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, टोटल स्टूडेंट कितना है, 236, हम इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन में 236। सेकेंड लाइन, नंबर ऑफ बॉय दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉय इक्वल टू 128 यहाँ दिया हुआ है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो हम लोग गर्ल्स निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से वाइज की संख्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मालूम हो जाएगा 236 माइनस 128 कितना आया 108। हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे लिख करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तीनों रेड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ चुकी है, रेड होता है, यहाँ रेड नहीं पढ़ेंगे, रेड। तीनों रेड 829 पेजेज ऑफ हर स्टोरी बुक, वह अपना स्टोरी बुक का 829 पेज पढ़ चुकी है, पढ़ लेती है। द बुक्स बुक कंटेंस, उस बुक में 978 पेज है, जबकि इतना पेज पढ़ लिया है, लेकिन पूरा पेज कितना था 978 पेजेज। हाउ मेनी पेजेज आर स्टिल टू बी रीड, रीड मैंने आप कितना बच गया उसको पढ़ने के लिए, कितना बच गया पढ़ने के लिए, तो सोशल मीडिया दिखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। टोटल पेजेज इन ए बुक कितना है 978, यहां से देख रहे हैं हम लोग। सेकेंड लाइन, तीनों रेड पेजे कितना पढ़ चुकी है 829। तीनों स्टिल टू रीड पेजे, अब कितना पेज वो पढ़ने के लिए बाकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पेज में से जितना पढ़ी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 978 माइनस 829, या ऊपर नीचे लिख करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा 149। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द क्वेश्चन, इन ए क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच है, द इंडियन टीम, भारत का टीम स्कोर 435 रन, बनाता 435 रन, एंड द ऑस्ट्रेलियन टीम स्कोर, ऑस्ट्रेलिया का टीम बनाता है स्कोर 146 रन लेस देन इंडियन टीम, यानी इंडिया का टीम से 146 रन कम बनाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया हार गया, देन द इंडियन टीम हाउ मेनी रन डिड द ऑस्ट्रेलियन टीम स्कोर, अब बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का टीम कितना रन बनाया था, 146 कम रन बनाया था, इससे काम चलेगा नहीं, एक्यूरेट रन बनाना है, बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितना रन बनाया। ओके, सॉल्यूशन, इंडियन टीम स्कोर कितना रन, 435 रन, ऑस्ट्रेलियन टीम स्कोर कितना रन, स्कोर 146 रन लेस, कम बनाता, इसलिए मैंने ये लाइन सेंटेंस लिखा, ऑस्ट्रेलियन टीम स्कोर 146 रन लेस, कम बनाया, कितना बनाया, सो ऑस्ट्रेलियन टीम स्कोर इक्वल टू 435 माइनस 146, इसको हम लोग ऊपर नीचे लिख कर करके बगल में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर क्या आया 289 रन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द क्वेश्चन, देयर वेयर 205 काइट्स, पतंग, आज बोले पतंग, इन ए शॉप, एक दुकान में 205 शॉप्स है, सॉरी काइट्स है दुकान में, द शॉप कीपर सोल्ड 167 काइट्स, 167 काइट्स बेच दिया, बताना है कि हाउ मेनी आर स्टेज टू बी सोल्ड, कितना बच गया अब उसको बेचने के लिए, तो कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन, टोटल काइट्स इन द शॉप इक्वल टू 205। सेकेंड लाइन, काइट्स सोल्ड कितना बेचा गया 167, काइट्स स्टिल टू बी सोल्ड कितना बेचना बाकी है, तो 205 में से हम लोग 167 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ऊपर नीचे लिख करके कॉलम में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा 38। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Now here is question number 12. What is the question? Out of 425 books in a library, library में 425 books है, जिसमें से 268 books were lent out. दे दिया गया, उधार दे दिया, किसको दिया जाता था? लाइब्रेरी में बुक किसको दिया जाता है? स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट्स को 268 बुक्स दे दिया गया. हाउ मेनी बुक्स आर स्टिल इन द लाइब्रेरी? अब बताना है कि जितना बुक जब बच्चों को दे दिया गया तो लाइब्रेरी में कितना बुक बचा. ओके सॉल्यूशन, टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी इक्वल टू 425. सेकेंड लाइन, बुक्स लेंट आउट टू स्टूडेंट्स, किसको दिया गया? स्टूडेंट्स को. कितना दिया गया? 268. बुक्स स्टेड इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कितना बच गया? तो 425 माइनस 268. यहाँ पर ऊपर नीचे लिख करके कॉलम में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा? 157. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ बाय हाउ मच, कितना से? बाय हाउ मच इज 400 ग्रेटर देन 307. 307 से 400 कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है बताना है. तो 400 इज ग्रेटर देन 307, कितना होगा? इक्वल टू 400 माइनस 307 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या है आंसर? 93. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इज क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. क्या है टोटल नंबर क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाय हाउ मच इज 298 लेस देन 325? 325 से 298 कितना कम है? सो सर, 298 इज लेस देन 325. कितना? 325 में से 298 सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आया? 27. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? कानू है रुपीज 183 विथ हिम, साथ में उसके पास में 183 रुपया है. ही बाउट ए बुक, वह एक किताब खरीदता है. 4 रुपीज 59 रुपया का किताब खरीदा. इस्टीमेट द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, इस्टीमेट करना है, ना कि एक्यूरेट पैसा कितना बचा वो बताना, इस्टीमेट करना है. तो हम लोग इस्टीमेट में देख रहे हैं 183 है और यहाँ पर रुपीज 59 है. यहाँ 2 डिजिट का है, यहाँ 3 डिजिट का है, इसलिए 2 डिजिट का यानी नियरेस्ट टेंस करेंगे, नियरेस्ट टेंस वाला करेंगे. ऐसा नहीं कि इसको हम लोग यहाँ से राउंड ऑफ कर दिए, इसको हम लोग यहाँ से राउंड ऑफ कर दें, नहीं, 2 डिजिट का राउंड ऑफ करना है, यानी नियरेस्ट टेंस बनाना है इसको भी और इसको भी. कानू हैड मनी इक्वल टू रुपीज 183. इसको एस्टिमेट करेंगे तो क्या बनेगा रुपया? 180, क्योंकि वॉइस प्लेस पर क्या है? 3. तो क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 5 से कम है. अब सेकेंड, ही बाउट ए बुक 4 रुपीज 59 रुपये खरीदता है, इसको भी नियरेस्ट करेंगे, 9 है, इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 6, यानी 60. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? 180 रुपया में से 60 रुपया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा? रुपीज 120. दिस इज द आंसर. नाउ एक्सरसाइज नंबर 20 कंप्लीट हो गया.
इसे हम बारीकी से बार बार देखते हुए अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।